और पावर प्ले होगी। पहली गेंद लेकर शेष आशी और ये गेंद वाइड। चंदू ये शिजेश आशी काफ़ी अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, अपने फिटनेस पे उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, काफ़ी वेट उन्होंने पुट ऑन किया है इस गए 3 सालों में। नहीं तो एक जमाना था इनका जो रनअप था वो बाउंड्री से शुरू होता था। लेकिन आज देखिए उनको दौड़ने की भी मुसीबत हो रही है, अगर कोई ऑप्शन होता तो किसी और को दौड़ा लेते वो। सामने खेला बहुत ही अच्छा फील्डिंग वहां हिमांशु कपाड़िया की, कोई रन नहीं दिया उन्होंने। इस बीच एक रन हुआ है वो भी वाइड के रूप में। काफी क्रिकेट खेला है चंदू मैंने श्रीजेश आशी के साथ, मुझे काफी याद है उनकी, उनके साथ खेले हुए क्रिकेट की काफी याद है मेरे। दूसरा रन लेने का प्रयास बिल्कुल सफल रहेगा और इस बार 2 रन निकले। और जो फील्डर थे दिनेश यादव काफ़ी बॉडी लैंग्वेज से निराश से लग रहे हैं, कोई तंदुरुस्ती नहीं है उन्होंने फील्डिंग में, देखा कि बॉल जा रही है जाने दी। अभी अभी पता चला है कि दिनेश यादव, बीच बीच वाइट का इशारा अंपायर का, दिनेश यादव जी को जो आज डबल नहीं मिली है उसका नुकसान वो अभी भी अपने जहन में रखे हुए हैं और दोनों हाथ अपने पीछे उन्होंने रखे हुए हैं, बिल्कुल सरेंडर मुद्रा में है फील्डिंग कर रहे हैं। उठा के मार दिया सामने की तरफ और इस बीच सचिन यादव अपनी पूरी जोर लगाते और ये काफी अच्छी फील्डिंग सचिन की, पैर से बॉल रोक दिया उन्होंने और ये नव निर्वाचित हमारे तहसीलदार काफी काफी जोश से उन्होंने फील्डिंग की है और अपने टीम के लिए 2 रन बचाए, काफी अच्छी फील्डिंग सचिन यादव जी की। फिर एक बार ये रहा मेल गोल वाला का छक्का, मैं यहां पर कहूंगा कि आची और मेहल दोनों बैचमेट हैं, फिर भी कोई दया नहीं दिखाई मेहल ने आची के ऊपर, बड़ी निर्दयता से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। यही होती है खिलाड़ी वृत्ति चंदू की, जब आप ग्राउंड पे हो तो ये दोस्ती वगैरह जो है ये ग्राउंड के बाहर की होती है, आप गेम खेल रहे हो, गेम की जो एक गरिमा होती है एक इज्जत होती है उसको आपको बरकरार रखना होता है, इसलिए वो कोई भी भाईचारा नहीं बता रहे गेंद में, ये एक अच्छी बात है। और इस बीच मुझे लग रहा है आची के बॉडी लैंग्वेज से कि वो सोच रहे हैं ये ओवर कब खत्म होगा। बिल्कुल सही, इतनी दौड़ने की उनको आदत नहीं है, गए 3 साल से मैं कह रहा हूँ उन्होंने काफी वजन बढ़ाया है। काफी अच्छा शॉट अयाज का, कवर्स की दिशा में मार दिया है, बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं रोहित महाजन, मेरे हिसाब से रोहित महाजन वहाँ फील्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपने साथी फील्डर की मदद से थ्रो पहुँचा दिया है बॉलर की दिशा में, एक ओवर समाप्त हुई है और स्कोर हुआ है 15 रन, काफ़ी महंगी ओवर की है चंदू आची ने, उनकी जान भी छुटी इस ओवर की समाप्ति के ये तो एकदम सही बात है, अब उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली एक्चुअली ओवर खत्म करके। अगली गेंदबाज है सज्जन यादव, इसी महीने में उनका चयन हुआ है नव चयनित तहसीलदार सज्जन यादव, मैं सभी की तरफ से उनको उनका अभिवादन करता हूं उनकी नियुक्ति के लिए। निश्चित रूप से ये एक उपलब्धि हम सभी VCRC भाइयों के लिए, ये एक्चुअली मैं आपको कह रहा था VCRC लीडर्स उन्हीं की प्रेरणा है ये। चंदू इसके बारे में क्या कहेंगे आप, जो सज्जन की जो उपलब्धि है ये हमारे VCRC लीडर्स जो है उनकी एक उनकी प्रेरणा से हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, राह उन्होंने ही दिखाई है। इस बीच सज्जन बॉलिंग करेंगे महल गोलवाला को,
ओ काफी अच्छी गेंद बाउंस कर दी उन्होंने, गेंद को समझ नहीं पाए महल उन्हें बॉडी को सामने लाने का प्रयास किया लेकिन बैट को ढकेल दा के बॉल को सामने ढकेल दिया। स्कोर हुआ है 15 रन। काफी अच्छा शॉट उठा के मार दिया, वहां पे रोहित फील्डिंग कर रहे हैं, बॉल को समझ नहीं पाया, हवा में थी काफी देर बॉल, और इस बीच फील्डिंग किया और बॉल अपने साथी फील्डर को देके उन्होंने बॉल थ्रो की, नॉन स्ट्राइक पर बॉल पकड़ ली सज्जन ने, और इस बीच 2 रन बनाए महल ने। स्कोर हुआ है 17 रन बिना कोई नुकसान के। मेल गोल वाला काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं चंदू, काफी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं उनके बल्लेबाजी के। बिल्कुल और काफी अच्छी बॉल फ्लाइट से उन्होंने बीट कर दिया बॉल को, सीधा बॉल जो है उस स्टंप पे लगी और बोल्ड हो गया है महल। तो ये शॉर्ट फॉर्मेट का एक ये क्या उसको कहते हैं दुष्परिणाम है, जहाँ गेंदबाज को हर बल्लेबाज को हर बॉल को मारना पड़ता है। बिल्कुल ये तो महल के आउट होने के बाद क्रीज पे आए हैं गौरव लेवा। गौरव जी हम इन्हें गुजरात का गौरव भी कहते हैं। ये गुजरात के गौरव नहीं है चंदू, ये VCRCN के बैटिंग के गौरव है, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। अभी ही रिसेंटली जो VPL हुआ था ग्वालियर में, अपनी बैटिंग से उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं चंदू, ये आपको शायद इसका अनुभव ना हो। नहीं मुझे अच्छी तरह अनुभव है, ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं जो भी करते हैं काफ़ी अच्छा करते हैं। वो तो हर VCRCN ही करता है चंदू, लेकिन उसमें इनकी एक खासियत है कि बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी करते हैं। गौरव लेवा स्ट्राइक ली, उन्होंने फेस करेंगे सज्जन यादव को, घुमा के मारने का प्रयास था लेकिन जैसे ही बॉल को देखा शॉट को इम्प्रोवाइज किया और सामने की तरफ गौतम बाटी की तरफ बॉल को खेल दिया उन्होंने, और इस बीच ओवर थ्रो के रूप में और एक रन 2 रन बनाए गौरव ने अपनी पहली गेंद में, और स्कोर हुआ है 19 रन। दूसरी ओवर चल रही है, दूसरी ओवर के 4 गेंद हो चुकी है और स्कोर हुआ है 19 रन। फिर एक बार घुमा के मारने का प्रयास किया, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे सज्जन, हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे। फिर एक बार अच्छी गेंद और लेफ्ट बाई के रूप में एक और रन का इजाफा हुआ है 7-17 के स्कोर में, और स्कोर हुआ है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्लोअर गेंद थी, अय्याज गेंद की गति को भाप चुके थे, उन्होंने हल्के से पॉइंट की दिशा में बॉल को ढकल दिया और 1 रन पूरा कर लिया, और स्कोर हुआ है 21 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, स्कोर हुआ है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चंदू क्या कहते हो गौरव के बारे में, आप क्या जानते हो और कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आप? गौरव एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी ही नहीं बड़े अच्छे इंसान भी हैं। मुझे याद है मैं एक बार बड़ौदा गया था अपने कुछ ऑफिशियल काम से, वो बड़ौदा पार्सल में काम कर रहे हैं, वहाँ मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, काफ़ी दिलेर इंसान है आप गौरव लेवा, काफ़ी अच्छा मिजाज है उनका, भाईचारा है उनके पास। इस बीच पठान खान का ये शॉट और ये लगा चौका, 7-17 का ये चौका और स्कोर हुआ है 25 रन। और गेंदबाजी कर रहे हैं विनय पोरवाल, काफ़ी फील्डिंग में तब्दीलियां करनी पड़ रही है गेंदबाजों बल्लेबाजी के इस आक्रामक रूप की वजह से,
और उन्होंने अपना एक और हिमांशु कपाड़िया को वहाँ फील्डिंग लगा दी है जहाँ पे उन्होंने बॉल मारा था, लेग की दिशा में डाला हुआ बॉल और ये वाइड, और साथ ही देखते हैं और एडिशन में कितने रन आते हैं, और ये 4 रन वाइड और 4, ऐसे 5 रन का और इजाफा हुआ है, स्कोर हुआ है 30 रन, और मात्र एक गेंद डाली गई है इस ओवर की, 13 गेंदों में 30 रन हो चुके हैं टीम 7-7 का। एक और एक अच्छे खिलाड़ी जो है ग्राउंड पर है चंदू, अयाजुद्दीन खान। बिल्कुल, बहुत अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी हैं वो। उनकी जो हंसी है, मतलब जो स्माइल जिसको कहते हैं, काफी सुंदर स्माइल है अयाज की चंदू। निश्चित रूप से ये गेंद फिर काफी ऊंची गेंद, नो का इशारा अंपायर, दोनों अंपायर की तरफ से नो का इशारा, और ये इस बीच फ्री हिट का भी इशारा आ सकता है शायद, और ये फ्री हिट अगली गेंद है, फ्री हिट। देखते हैं अयाज इस गेंद का कितना उपयोग करते हैं, फ्री हिट, और इस अभी तक की ये टूर्नामेंट की पहली फ्री हिट है। बहुत ही बढ़िया शॉट मार दिया उन्होंने सामने, सज्जन वहां फील्डिंग करेंगे, मात्र 1 रन आएगा। सज्जन काफी चुस्त खिलाड़ी है। एक बात आपने अगर ध्यान दिया हो तो गेंद सज्जन यादव का चुंबक की तरह पीछा कर रही है, जानते हैं कि इस ग्राउंड में वही है खिलाड़ी है जो उनको सम्मान के साथ पकड़ सकते हैं। आगे जाके मारने का प्रयास था गौरव का, लेकिन विनय ने अपनी गति का परिवर्तन किया, गति और साथ ही साथ लेंथ का भी परिवर्तन करके गौरव को चकमा दी और बॉल चली गई विकेट कीपर गणेशन के दस्तानों में। इस बीच विनय बॉलिंग करेंगे गौरव लेवा को, काफी लंबा शॉट और अनु ये छक्का, यही है प्रतिभा गौरव की, जैसे ही देखा बॉल लूज है, अब उनकी रेंज में था, अपनी कंधों को खोल दिया और बॉल को जो निश्चित परिणाम था उसका वो दिखा दिया, और बॉल गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रन। घुमा के मार दिया है बॉल मिड विकेट की क्षेत्र में, फील्डर सिर्फ मात्र देखते रह गए सुशांत, और स्कोर हो 4 रन मिला है गौरव को, और स्कोर हुआ है 42 रन मात्र 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 7-7 का स्कोर हुआ है 42 रन, 14 की रन गति से रन बना रहे हैं 7-7। आप कमजोर गेंद नहीं कर सकते गौरव लेवा को, बिल्कुल नहीं, ये तो बोलते हैं क्राइम बोलते हैं इसको क्रिकेट में, कार्डिनल सिन, कार्डिनल सिन कहते हैं। सही कहा चंदू आपने, एकदम सही लफ्जों में आपको उसने बयां किया अपने स्थिति को। याद का एक किस्सा आपको चंदू सुनाना चाहता हूँ, ये किस्सा है मेरे ख्याल से 2013 की VPL का, वो काफ़ी लंबा किस्सा है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। वो नेट में बॉलिंग कर रहे थे, उनकी जो गति को देखते हुए उस समय के जो कप्तान थे विशाल भट्ट ने एक क्रूशियल मैच में निर्णय लिया कि हम अय्याज से एक महत्वपूर्ण ओवर कराना कराएं, और उन्होंने ओवर उनको दी। उस ओवर के बाद अय्याज का जो करियर है वो काफ़ी यू टर्न कर गया। वो एकमात्र ओवर में आप अंदाज लगा सकते हैं कितने रन दिए होंगे उन्होंने, काफी अच्छा शॉट अय्याज का, घुमा दिया उन्होंने कवर्स के ऊपर, फील्डर है गेंद के पीछे और रोक नहीं पाए, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अय्याज की बैटिंग के क्या कहे, ये पलटन की जो VPL की एक टीम है पलटन, उनके ये मिडल ऑर्डर के बैकबोन माने जाते हैं अय्याज, और उसी एक अच्छे प्रदर्शन का कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी का अय्याज। तो मैं किस्सा सुना रहा था चंदू कि एक मात्र ओवर में उन्होंने 30 रन दिए थे, उसके बाद उन्होंने अपना जो बॉल करियर था वो बंद कर दिया था, और 2 साल के बाद उन्होंने VPL में अपना पुनराक्रम किया है उसके बाद। इस बीच 1 रन और स्कोर हुआ है 47, 47 रन हुए हैं टीम की सत्ता के, और गेंदबाजी कर रहे हैं सुशांत।
और ये गौरव का चाबुक शॉट जिसको बोलते हैं 6 रन मिड विकेट की दिशा में, सॉरी 4 रन का इशारा अंपायर का, काफी शॉट थी बॉल और गोली की तरह बॉल को उन्होंने बाहर भेज दिया और स्कोर हुआ है 51। और इस बीच 50 रन पूरे हुए हैं टीम 7-7 के। गौरव लेवास इस बीच वैभव शर्मा स्ट्राइक पर और ये गेंद करारा प्रहार रोकने का प्रयास करेंगे श्रीजेश आशी और ये बदक चौका बदक चौका एक एक अस्वस्थ शरीर का खामियाजा भुगतते हुए श्रीजेश आशी समय पर झुक नहीं पाए, लेटने का भी प्रयास किए पर गेंद उनके नीचे से निकल गई। इस ग्राउंड पे जो अगली मैच होने वाली है वो मैं बता दूं, अगली मैच होगी इस ग्राउंड के पर 1-7-11 वर्सेस 8-8। दोनों कप्तान से निवेदन है कृपया वो उद्घोषणा कक्ष जो है वहाँ आ जाए और टॉस करा ले। इस बीच एक डॉट बॉल स्ट्राइक लेने को तैयार वैभव शर्मा और ये गेंद चूक गए और इसी के साथ 7-7 की पारी की समाप्ति। एक साथ 11 ने टीम टॉस जीता है और पहले बैटिंग ना पहले बैटिंग करेंगे अभिनव क्या अभिमन्यु ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। टॉस उन लोग जीते हैं क्या, सॉरी टॉस जीता है 8-8 ने और पहले फील्डिंग करने का उन्होंने निर्णय लिया है, पहले बल्लेबाजी करेंगे 1-7-11 की टीम। मैं दोनों टीमों से फिर एक बार निवेदन करूंगा कृपया मैच को जल्द से जल्द चालू करें, 7-7 की टीम कृपया फील्डिंग पे आ जाए जल्दी से, ये समय की पाबंदी है, कृपया जल्दी जल्दी मैच को आगे बढ़ाए। मेरे साथी कमेंटेटर जो चंद्रकांत थे चंद्रकांत वो मुझे छोड़ चले गए हैं क्योंकि उनकी मैच में फील्डिंग करनी है उनको, और मेरे जो आप साथी कमेंटेटर है वो है शिजु सुजी पणिकर फर्स्ट बैच से है 91-93। मैं उनका स्वागत करता हूं कमेंट्री कक्षा में। नमस्ते दोस्तों, अभी अभी एक महत्वपूर्ण सूचना आई है जो मुझे करने के लिए कहा गया है, जिन भी अपने वीसीआरसीएम भाइयों का कलेक्शन जो बैच रिप्रेजेंटेटिव के पास आया है देना है वो कृपया मंदार के पास दें, 1992-94 के मंदार शेट्टे उनको वो जो कलेक्शन है वो जमा कराएं, और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपना जो योगदान है इस कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में जो योगदान हमको देना है वो कृपया अपने बैच रिप्रेजेंटेटिव को दे दें ताकि अजय नायर कुछ तो लेते हुए जा रहे हैं, कुछ अफलातून चीजें हैं वो अपना चुपचाप से ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये दिल्ली से उन्होंने सोया चाप लाया है, स्टीरॉइड्स लेके हैं स्टीरॉइड्स।
इसको इस बीच सात की सत्ता ने अपना जो मोर्चा है संभाल लिया, अपनी फील्डिंग की जमावट करा रहा है सात की सत्ता, और टीम 89 को जीत के लिए बनाने हैं 56 रन चार ओवर की। तो स्ट्राइक वाला सज्जन यादव है, नॉन स्ट्राइक ला हिमांशु है ना, हिमांशु, हिमांशु को बढ़िया। इस बीच स्ट्राइक लेंगे सज्जन यादव और नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे जिम्मेदार जेब में, नॉन स्ट्राइक पे हिमांशु कपाड़िया। सज्जन यादव काफी तेज खेलने के लिए माने जाते हैं। अशोक पाल गेंदबाजी करेंगे, अपनी टीम की पहली ओवर करेंगे अशोक पाल, जो टीम के कप्तान है। जो पहली मैच हुई थी सुबह फुकरे बॉयज वर्सेस सात की सत्ता, उसके मैन ऑफ द मैच है अशोक पाल, और वो बॉलिंग अपनी टीम की बॉलिंग का प्रारंभ करेंगे। जल्दी जल्दी मैच को कराया कृपया, ये जो फील्डिंग की जमावट की जो समय है जा रहा है उसमें जल्दी जल्दी काम अपना काम करें और मैच को जल्दी जल्दी खत्म कराए। फिर एक बार एक महत्वपूर्ण सूचना आई है, जिन भी वीसीआरसी ने अपना कलेक्शन देना है वो मंदार के पास जमा कराए, मंदार शेट्टी जो 91-92 के वीसीआरसी है उनको वो जिम्मेदारी दी गई है कलेक्शन की, कृपया वो अपना कलेक्शन उनको जमा कराए। सभी बैच रिप्रेजेंटेटिव भी ध्यान दे कि जिनका भी कलेक्शन बाकी है वो करा के मंदार के पास जमा कराए। इसी बीच पहली गेंद और ये पहला चौका, बेहतरीन शॉट सज्जन। मैंने कहा था आपको सुजी अभी थोड़ी देर पहले कि सज्जन ये जल्दबाजी से बैटिंग करने के लिए माने जाते हैं, अनुपम इनकी बैटिंग की शैली रही है कि वो आते हैं ये बल्ले को घुमाते हैं, चार चौके छह छक्के ऐसे उनके रिकॉर्ड्स हैं आज के तारीख में, और लगता है आपकी बात पूरी तरह मान रहे हैं। देखो फिर एक बार ऊपर से और जयराम बॉल को समझ नहीं पाए, काफी देर हवा में बॉल थी, बॉल को जज नहीं कर पाए, और इस बीच एक बहुत ही महंगा ड्रॉप था सुजी ये, क्योंकि सज्जन जैसे बल्लेबाज को इस अगर मैच को जीतना है तो उनकी कैच पकड़ना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, और इस बीच में दौड़कर हिमांशु आए हैं, एक रन पूरा किया इस बीच और स्कोर हुआ है 5 रन बिना कोई नुकसान के, और फील्डिंग की फिर एक बार जमावट। मैं दोनों टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया मैच को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए, समय से काफी पीछे चल रहे हैं हम लोग, हमने ऑलरेडी एक ओवर कम कर दी है शेड्यूल में, हम और ज्यादा और कम नहीं करना चाहते, कृपया मैच को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए। और ये काफी इजी कैच था और ये रन आउट काफी अच्छी फील्डिंग अवनीश की, कैच थी, कैच ड्रॉप कर दी लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, देखा कि फील्डर काफी शॉर्ट है, बॉल को उठाया और तुरंत स्टंप बिखेर दिए, और इस बीच हिमांशु कपाड़िया रन आउट होके पेविलियन में जा रहे हैं, और अगले बल्लेबाज है दिनेश यादव। हिमांशु जो बड़ोड़ा से यहाँ तक पहुंच पाए लेकिन क्रीज तक नहीं पहुंच पाए। अवनीश यादव ने रन आउट किया है हिमांशु कपाड़िया को और स्ट्राइक लेंगे सज्जन यादव, 5 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर, और अगले बल्लेबाज है दिनेश यादव। आगे निकल के मारने का प्रयास था सज्जन का, लेकिन अशोक ने अच्छी सूझबूझ बताई, उनसे दूर कर दी गेंद को और बॉल से चूक गए सज्जन। सुजी ये जो सज्जन बल्लेबाजी कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का खेल है, उनको जो है निर्धारित 24 गेंदों में 56 रन बना रहे हैं और मात्र अभी सिर्फ 5 ही रन हुए हैं, तो ये रनों की जो गति है वो काफ़ी हाई है, उसको कवर करने के प्रयास में ये से शॉट खेल रहा है। बराबर, और जैसे कि आपने बताया ये बड़े स्ट्रोक खेलने में एक्सपर्ट है, ये उनकी शैली है सुजी बड़े शॉट लगाने की। ये देखिए उनके
आप उनके जो बैट लिफ्ट और बैट का जो फ्लो अगर देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये शॉट को नजदीक खेलने का कभी प्रयास करते ही नहीं है। और इस बीच हमारे बीपीएल के जो एक टीम है पल्टन, उनके मेंटर सत्यनारायण आ चुके हैं और उनका स्वागत है यहाँ पर। वीसीआरसीएन लीडर्स के एक खिलाड़ी सत्या और फिर एक बार घुमा के मार दिया है गेंद, 6 रन मैक्सिमम, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सज्जन। जो रन गति की जो दरकार है, रन गति की जो दरकार है उसको बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं सज्जन। और स्कोर हुआ है 13 रन, मात्र 1 रन कम है गति से, लेकिन ये और अगली ओवर में कवर कर सकते हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सज्जन सुजी। बिल्कुल, मेहल गोल वाला अगली गेंदबाजी करेंगे, मेहल गोल वाला, हाँ पहला बैट, अगली गेंदबाजी करेंगे मेहल गोल वाला। और बल्लेबाज है दिनेश यादव। सुजी दिनेश यादव के बारे में कहूँगा, ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है ये भी हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ये सब चीज़ों में काफ़ी। अपने जो डबल्स, डबल्स मतलब वो मैं बैडमिंटन या टेनिस वाला डबल्स नहीं कह रहा हूँ, ये जो इनकी ड्यूटीज़ है इनमें काफ़ी डबल ड्यूटी करते हैं या अनमन बिजी रहते हैं उसमें, तो उनकी जो हॉबी है क्रिकेट उसको वो पूरा सा समय नहीं दे पा रहे हैं। दिनेश को साथ देना पड़ेगा सज्जन को। काफी अच्छी गेंदबाजी मेल की, शॉर्ट बॉल की, दिनेश समझ नहीं पाए गेंद की गति को। और इस बीच सज्जन दौड़ के रन लेने का प्रयास कर रहे हैं और ये काफी और ये 1 रन आउट, रन आउट करार दिए गए हैं दिनेश यादव। सज्जन की काफ़ी अच्छी सोच है सुजी, क्योंकि उनको पता है कि ये जो विशाल स्कोर है 56 रन का, अगर उसको कोई चेस कर सकता है वो सिर्फ सज्जन यादव अपनी बल्लेबाजी से चेस कर सकते हैं। तो उनकी जो सोच थी कि वो स्ट्राइक पे जाए वो काफ़ी अच्छी सोच थी। और इस बीच दिनेश यादव रन आउट हो चुके हैं और बिल्कुल काफ़ी अलर्ट थे सज्जन जी। हाँ सज्जन जिम्मेदारी वाले खिलाड़ी है, वो जानते हैं मैच अगर जीतना है या मैच को करीब भी ले जाना है तो उनको बल्लेबाजी करना बहुत ही जरूरी है। अगले बल्लेबाज है विनय पोरवाल। सज्जन यादव फेस करेंगे महल गोल वाला। सुजी आपको एक और मतलब अपडेट दे दूं, महल और सज्जन ये बीपीएल की एक ही टीम से खेलते हैं, वेस्टर्न फिनिक्स। तो ये एक दूसरे का गेम को जो गेम एक दूसरे की जो गेम है उसको अच्छे भली बात ही समझते होंगे, वो एक दूसरे की वीकनेस या एक दूसरे की स्ट्रेंथ को अच्छी बात ही समझते होंगे ऐसा मैं जानता हूँ, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मुझे भी तो यही लग रहा है। ये और ये अगली गेंद, काफी शॉर्ट गेंद, घुमा दिया, शक्ति का पूरा प्रदर्शन। और इस बीच और एक चौका, चौका काफी अच्छा शॉट सज्जन का और स्कोर हो गया है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट गिर चुके हैं और ये दूसरी ओवर चल रही है, 2 ही गेंद हुए हैं। पंद्रह बॉल में 16 गेंद में 39 रन चाहिए जीत के लिए टीम 89 को। मैं अभी यहाँ उपस्थित सभी टीम से निवेदन करूँगा, कृपया मैच जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए, हम शेड्यूल से काफ़ी पीछे हैं, या अभी ये जो मौसम है ठंडियों का इसमें काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो कृपया मैच को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं। मैं दोनों अंपायर से भी निवेदन करूंगा कि प्लेयर्स को मैच जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश।
फिर एक बार घुमा के मार दिया है ऊपर और ये और एक छक्का सिक्स। सुजीव शायद सज्जन ने ये मन बना लिया है कि मुझे हर गेंद को जो है सीमा से बाहर मारना है। बिल्कुल, ये ऐसे लग रहा है कि जीत के और यही बढ़ा के लेके जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है इस टीम के सज्जन यादव, एकमात्र खिलाड़ी है, महत्वपूर्ण तो नहीं कहूंगा, एकमात्र महत्वपूर्ण खिलाड़ी है सज्जन। और ये बोल्ड, काफी अच्छी गेंदबाजी की है गोल महल ने, देखा कि बल्लेबाज जो है सिर्फ बल्ले को घुमाकर बॉल को हर बॉल को बाहर मारने का प्रयास कर रहा है, उसने गेंद की गति को धीमा कर दिया और बॉल को जो है स्टंप की लाइन में रख के बॉलिंग की, और सज्जन ने अपना जो विकेट जो है खो दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि महल ने विकेट को लिया है, मैं कहूँगा सज्जन ने विकेट खो दिया है, जल्दी जल्दी रन बनाने के प्रयास में सज्जन ने अपना यह विकेट खो दिया है। बैट्समैन नेम प्लीज, जय बैट्समैन का नाम क्या? भरत ना, भरत मिश्रिया। अगले बैट्समैन है भरत मिश्रिया, फिर वही जो भी बल्लेबाज आ रहा है सुजीव वो एक ही काम कर रहा है, बैट को जो है कम से कम 200 की स्पीड से घुमा रहा है। फिर वही, ये तो पिछले बॉल का रिप्ले लग रहा था। मेल काफी समझदार वाले खिलाड़ी है सुजीव, काफी उच्च स्तर पे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इस परिस्थितियों में बॉलिंग करना उनको सहज ही है। देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज है सिर्फ अपनी बल्ले को स्पीड घुमा रहे हैं, कोई बॉल की लाइन को नहीं समझ रहा है, कोई गेंद की गति को नहीं समझ रहा है। और इस बीच महल ने अपनी ओवर पूरी की और स्कोर हुआ है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और टीम 89 को जीत के लिए। और ये अगले बॉलर जयरामन, सज्जन यादव ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, उन्हें 7 गेंदों में 17 रन बनाए। इस बीच कट, विनय पोरवाल आउट होते हुए अगली और एक विकेट का पतन हुआ है टीम 89 का, और अगले बल्लेबाज है गणेशन। जयरामन ने अपनी पहली गेंद में विकेट चटका लिया है और ये टीम 89 की चौथी विकेट गिरी है 28 रन के स्कोर पर गणेशन। अगले बल्लेबाज है गणेशन, तो अब स्कोर है 23 for 4। काफी वाइड गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर, दोनों भी अंपायरों का साथ में उन्होंने नो बॉल का इशारा किया है। काफी वाइड गेंद थी, काफी ऊंची भी थी गेंद, कमर से ऊंची थी, वाइड का इशारा किया अंपायर ने, फ्री हिट का इशारा नहीं आया और ये फ्री हिट का इशारा किया अंपायर ने। फिर एक बार सेम बॉल डाली उन्होंने, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट कंटिन्यू होगी। जय कोई सब करने की जरूरत नहीं है सुजी, काफी स्कोर है, एक सादी सीधी बॉलिंग करेंगे तो भी इसे चल सकता है। फुल टॉस बॉल, सीधा पैरों पे लग गया और इस बीच एक रन दौड़ के निकाला दोनों बल्लेबाज ने और स्कोर हुआ है 26 रन का स्कोर हुआ है। 4 विकेट गिर चुके हैं टीम 89 के, मात्र एक औपचारिकता है ऐसा मुझे लग रहा है सुजी, काफी विशाल स्कोर बनाया है। फिर एक वाइट का इशारा सुजी, ऐसे अगर ये गेंदबाजी करेंगे तो मुझे लगता है कि टीम 89 निश्चित ही जीत के कगार पर आ सकती है। बिल्कुल, ये वाइड रन से ही जीत जाएंगे। और ये जोर से मारा हुआ शॉट महल की तरफ और ये एक सिंपल कैच, महल को कैचिंग प्रैक्टिस दी उन्होंने भरत ने। थैंक यू भरत, काफी अच्छी कैच की है महल ने, अपनी जगह से एक इंच भी उनको हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, हाथ में कैच आई, एकदम सिंपल कैचिंग प्रैक्टिस महल को, काफी सुंदर कैच कहूंगा मैं।
उन्होंने अंदाज लिया, बॉल कहीं जा नहीं रही, मेरी तरफ आ रही है, अपने आप को स्टेबल किया, सिर सीधा रखा, बॉल अपने लपक लिया। और अगला बैट्समैन है श्रीजेश आची। कट करने का प्रयास था गणेशन का, बॉल की गति को नहीं संभाल पाए, समझ पाए और बॉल चली गई गौरव लेवा के दस्तानों में। कोई रन नहीं, स्कोर हुआ है 27 रन, 27 फॉर 5, 5 विकेट के नुकसान पर। बॉल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे गणेश को, बॉल की अपनी तरफ आने का उन्होंने पूरा इंतज़ार किया, आने दिया अपनी तरफ बॉल को और घुमा दिया उन्होंने बॉल को कवर की दिशा में और एक रन दौड़ के टीम का स्कोर ले गए हैं 28 रन। श्रीजा जाशी काफ़ी अच्छी प्लेस की उन्होंने, पॉइंट की दिशा में धकेल दिया बॉल को और एक रन दौड़ के नॉन स्ट्राइक एंड पे चले गए आची। और स्कोर हुआ है 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच तीन ओवर समाप्त हुए, आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 27 गेंदों की ज़रूरत है आखिरी 6 गेंदों में। सुजी ये नामुमकिन तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, 7-6 गेंदों में 27 रन अमूमन बन जाते हैं क्योंकि जो फॉर्मेट और जिस तरह की क्रिकेट आजकल खेली जा रही है। अवनीश यादव बॉल करेंगे और ये 6 गेंदों में 27 रन डिफेंड करने की जो जिम्मेदारी है वो अवनीश यादव को दी गई है और बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रीजेश आची। श्रीजेश आची की कोशिश ये रहेगी कि 6 पे 6 मारे। सही बात है सुजी, उससे बिना तो मैच हो नहीं पाएगी क्योंकि ये एक या दो रन की मैच नहीं है, आपको अगर 6 गेंदों में 22 से ज़्यादा रन बनाने हैं तो ये ज़रूरी है कि आप कम से कम 3 सिक्स तो बनाए या 2 चौके 1 छक्के तो की दरकार तो रहती है। काफ़ी अच्छी गेंद अवनीश की, 2 डॉट बॉल उन्होंने की है, अब 4 गेंदों में जीत के लिए 27 रन बनाने हैं टीम 89 को। अवनीश कोई प्रेशर नहीं है अवनीश पर, जानते हैं काफी लंबा स्कोर उनको डिफेंड करना है। फिर एक बार ऑफ कट कर दिया है, वहां पे सत्या फील्डिंग कर रहे हैं, सत्येंद्र पुष्कर ने बॉल को पकड़ ली, अवनीश के रफ्ते दिया, 1 रन निकाला है और स्कोर हुआ है 30 रन। काफ़ी वाइड गेंद, स्कोर हुआ 31, बल्लेबाज है गणेशन। इस बीच वैभव बॉल की तरफ दौड़ते हुए बॉल को लपक लिया उन्होंने। सुजी वैभव भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने जमाने में काफ़ी तंदुरुस्त फुर्तीले खिलाड़ी थे लेकिन उन्होंने भी गए वर्षों में अपने जो है वजन काफ़ी बढ़ा लिया है इसलिए वो दौड़ नहीं पा रहे हैं जैसे चाहिए वैसे नहीं दौड़ पा रहे हैं लेकिन उनकी जो जिज्ञासा है क्रिकेट के लिए जो उनका प्रेम है उसके लिए वो खेल रहे हैं और वो क्रिकेट को जो मान देना है वो मान पूरा देते हैं। बॉल को अपनी इतनी सारी कमियाँ होने के बावजूद ही बॉल को वो कभी अपने बाजू से जाने नहीं देते हैं। हितेन इस बीच में एक वाइड हुआ है। अच्छा वाइड हुआ है और ये स्कोर हुआ है 33 रन। सुजी मेरा ध्यान नहीं है स्कोर की तरफ क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है सिर्फ औपचारिकता है जो पूरी हो रही है। और इस बीच पॉइंट और कवर्स के बीच में से एक अच्छा सा शॉट खेला है श्रीजेश ने और 2 रन दौड़ लिए हैं, तीसरा रन दौड़ना चाहते हैं और ये तीसरा रन नहीं पूरा कर पाए शायद, आउट का इशारा किया है अंपायर, लेग अंपायर ने और ये श्रीजेश ने गणेशन को आउट करा दिया। आज अवनीश यादव ने गणेशन को आउट किया है, रन आउट अपने एक डायरेक्ट थ्रो से, दूसरे रन आउट किया है अवनीश ने इस मैच में अपने डायरेक्ट थ्रो से। अगले बल्लेबाज है गौतम भाटी। आखिरी गेंद करेंगे अवनीश। इसी बीच और एक महत्वपूर्ण सूचना सभी बीसीआरसीओं के लिए, 1 बजे से लंच का प्रारंभ हो रहा है तो 1:15 बजे से लंच का प्रारंभ होगा, जिन भी खिलाड़ियों को अपना लंच करना है कृपया अपने कूपन देकर
अपना कूपन देकर लंच करे। व्हाइट का इशारा अंपायर का, इस बीच व्हाइट का इशारा अंपायर का। जहाँ ट्रॉफी रखी है उसके राइट साइड में खाने का आयोजन किया हुआ है, तो कृपया सभी खिलाड़ी अपना लंच वहाँ ले ले। इस बीच और एक ऑफ स्टंप पे बॉल थी, कट कर दिया उन्होंने ऑफ की दिशा में। बॉल जो है सीमा रेशा की तरफ जा रही है लेकिन पहुँच नहीं पाएगी। सत्येंद्र पुष्कर बॉल की तरफ गए, बॉल को ले आया उन्होंने और इस बीच कोई रन नहीं निकाला है बैट्समैन ने। स्कोर हुआ है 37 रन और इस बीच उन्नीस